Oh my God. I don't know what's wrong. तबीयत बहुत खराब हो रही है. जीप से सर्दी लग रही है. सर दर्द से पट रहा है. तो कोई मेडिसिन ले लो. हाँ कहा है जमीला से ला रही हो. कि मुझे लगता है ये पेन मेडिसिन से नहीं जाने वाला. इवन डिप्रेशन वाली मेडिसिन काम नहीं करेगी. मतलब इमेजिन जाफियर ने वैसे ही हमें इतना बड़ा शॉक दिया है कि सोचो जरा मामूली सी लड़की से. डोंट वरी, ये मोहब्बत का बुखार है एंड आई एम श्योर कुछ अरसे में उतर जाएगा. आजो 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 आजो. मैडम आपकी मेडिसिन. हाँ थैंक यू. आप पता है कश्माला से मुझे अपॉइंटमेंट दिलवा दें बिकॉज आई डोंट थिंक सब चीजें ठीक है. आई नीड टू गेट माई सेल्फ चेक्ड अप. या श्योर. और जमीला मुझे एक एक्सलेंट सा कप कॉफी का बना के दो. जी बेगम साहब मैं अभी लेकर आती हूँ. हाँ विदाउट शुगर. अगर हम जावियर को कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर भेजवा दें कुछ टाइम पीरियड के बाद उसका ही मोहब्बत का बुखार उतर जाएगा. हम उसे वापस बुलवा लेंगे और दानिया से शादी कर देंगे. हाउ इज दैट? हाउ इनोसेंट यू आर. लेकिन ये आजकल की जनरेशन है और खासतौर पर बॉयज. इस जनरेशन को हम अपनी उंगलियों पे नहीं नचा सकते. और जावियर एब्सोल्युटली नॉट. जावियर ने जिंदगी भर किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की. फिर ये तो उसकी शादी का मामला है. लाइफ पार्टनर नहीं मानेगा. तो इसका मतलब है कि निगार और तानिया का शुबा दुरुस्त था. तुम छुप छुप कर मिलते रहे हो नायाब से? नहीं दादी ऐसा कुछ भी नहीं था. तो ऐसी ऑफिस आई थी उधार वापस करने के लिए. फिर अचानक तानिया आ गई. अब आपको तानिया का तो पता ही है ना. और तुमको भी मालूम है ना ये बात कि नायाब एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है सीधी सादी सी. जानता हूं. बहुत ही सिंपल है. इनोसेंट बल्कि कुछ हद तक बेवकूफ भी. और इन तमाम कमजोरियों के बावजूद तुम उससे शादी करना चाहते हो? आई नो ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग है. व्हाई जब भी वो मुश्किल में होती है अचानक उसके सामने मैं ही क्यों आ जाता हूँ उसकी मदद के लिए? दादो वो बहुत ही मासूम है. उसकी आंखों में जो आंसू और सच्चाई मैंने देखी है आज तक किसी और लड़की में नहीं देखी. मुझे तो हैरत हो रही है कि अब भी लड़कियां ऐसी होती हैं. कल भी तो यही हुआ. वो मुश्किल में थी और अल्लाह ने मुझे ही जरिया बनाया उसकी मदद करने के लिए. और उस सब के बाद जब मैं उसको वापस घर लेके गया तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया. वो उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हो गए. उसकी बेइज्जती कर रहे थे बल्कि मारने लगे उसको. तो मैंने स्टैंड लिया उसके लिए. वहां पर अचानक सबके सामने बोल दिया कि मैं उसे निकाह कर लूंगा. आप तो जानती हैं ना मैं तो शादी के लिए कभी राजी भी नहीं होता था. फिर अचानक मैंने ऐसा फैसला कर लिया. आई डोंट नो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है. कुन फयकुन.
अल्लाह जो चाहता है हम इंसानों से करवा देता है, और हम सोचते ही रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। ये भी अल्लाह की मर्जी थी, उसने तुम्हारे दिल में नायाब से शादी की हामी डाली और फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत डाली है जो तुम्हें तलाश कर। देखो इस शादी पर तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बेटा वो लोग तुम्हारे माँ बाप हैं, उनसे पूछे बगैर तुम्हें जबान नहीं देनी चाहिए थी। जानते नहीं हो अपने पेरेंट्स को? मिडिल क्लास घराने की सीधी सादी लड़की कहाँ कबूल करेगी वो लोग। दादो आप ही ने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं तानिया के अलावा किसी और लड़की से शादी करूंगा तो आप मेरा साथ देंगी। अब तो आप वादा खिलाफी कर रही हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक बात बताओ मुझे, ये वक्ती लगाओ तो नहीं है? नहीं दादो, डोंट यू नो योर ओन जावियर, आई एम परफेक्ट, मैं कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। दादो अब मैं सब कुछ आप पे छोड़ दूंगा, अब आपने ही संभालना है सब कुछ। ओके, तो डन है फिर। पक्का? पक्का। देखो साहब यार, ये सब बीजे की प्लानिंग थी। कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊं। असल उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी पसंद की कोई अनोइंग सी लड़की ले आए जिसकी शक्ल देख देख के सारी जिंदगी में कुड़कुड़ के गुजारो। That's why she took you to that third class birthday party. यादव इसको तुक्की नहीं थी वहां जाने की। नहीं निगार, ये सब पीजी की वजह से नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। यस, तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़की के घर जाने की, उनकी बेइज्जती करने की? अब वो जावियर से बदला ले रहे, बदले में चाहते हैं कि जावियर उनकी बेटी से शादी करे, ब्लैकमेल कर रहे, टोटली ब्लैकमेल। लेकिन जावियर ठके नहीं करे, I can handle that. Leave it to me. देखें आप लोग दोनों ही गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना ही तो दादो ने मुझे उकसाया है शादी के लिए और ना ही वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये सब कुछ मेरा अपना ही फैसला था। And this is my final decision. मुझे शादी नायाब से ही करनी है। ऐसा क्या हो गया है साफियार? कि रातों रात तुमने डायरेक्टली शादी का ही प्लान बना लिया, यानी एज पेरेंट्स तुमने हमें कोई राइट ही नहीं दिया कि हम कोई फैसला करें तुम्हारे लिए। तो देना चाह रहा हूं ना आपको हक, मैं चाह रहा हूं कि आप जाके रिश्ता फॉर्मलाइज करें। हम रिश्ता लेकर जाएं उन जाहिल गवार लोगों के घर? माय फुट, तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन फिर ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत भी करूंगी।